जैसा जैसा पाप है वैसा वैसा नरक मिलेगा। जैसे नरक कहा का पृथ्वी से 88,000 योजन दूरी पे जो है नरक की व्यवस्था की गई है। जैसे नरक का नाम सुना तो महाराज, मान लो किसी से यदि अनजाने में पाप हो गया तो क्या तो भी नरक जाना पड़ेगा? का बिल्कुल जाना पड़ेगा। हमारा तो क्या कोई ऐसा समाधान नहीं है कि व्यक्ति नरक में जाने से बच जाए? का एक पाप हो जाए तो उसका शास्त्र विधि से प्रायश्चित कर लो तो वो पाप कट जाएगा। का महाराज, अब एक एक पाप के लिए एक एक प्रायश्चित कहा? हमारा ये तो झंझट वाली बात हो गई। क्या कोई ऐसा चीज नहीं है कि सारे पाप एक बार में कट जाए? कहा सुखदेव जी ने परीक्षित, ये शरीर जो है ना निर्मल सफेद चादर है, चादर पे एक गंदगी लग गया आपने धो दिया तो वो गंदगी धुल जाएगा, पर गंदगी पे गंदगी 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 पे गंदगी लगते गई और आपने धोने का ख्याल नहीं रखा तो फिर तो घर पे धुलाई नहीं होगा, फिर तो लाउंड्री में भेजना पड़ेगा, जहाँ धोबी मार मार के पटक पटक के जो है दाग छुड़ाएंगे। तो इसी प्रकार हमने अपने एक एक पापों का प्रायश्चित नहीं किया, पाप कलेक्ट होते गए, फिर तो सब धोबी घाट बना के उसे यमराज ने व्यवस्था कर रखी है नरकों की, वहाँ हंटर पिटाई कर करके वो दाग छुड़ाए जाते हैं। कहा महाराज, तो क्या एक बार में सारे दाग नहीं छूटेंगे? कहा छूट जाएंगे। कहा मैं तुमको एक साबुन बताता हूँ, उस साबुन को यदि तुमने उस चादर पे घिस दिया तो सारे पाप खत्म। कहा महाराज, तब तो बड़ा महंगा होगा। कहा नहीं, है बहुत सस्ता, पर है इतना पावरफुल कि दाग ढूंढते रह जाओगे। कहा महाराज, तब तो फिर जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग नोट करिए उस साबुन का नाम, कौन सा वो साबुन है कि हमारे सारे पाप को एक बार में धो देगा? तो वर्णन करते हैं कि चित्त केवल भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती काश्नीना निहारमिव भास्कर। हे परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही केवल और केवल भगवत नाम लेने से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे ही कहा तो कहा महाराज, क्या किसी का पाप धुला है? प्रामाणिक प्रसंग सुनाता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, अजामिल का नाम सुना है ना आप लोगों ने, अजामिलोपाख्यान। अजामिल एक गणिका से विवाह करके एक कितना बदल गया उसका जीवन, की अधर्म करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। पर सजनों, संतों के कहने पे इसने क्या किया, अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। एक बात बताऊं, जो बड़ा वाला बेटा होता है ना वो पिता को बड़ा प्यारा होता है, और जो छोटा वाला बेटा होता है वो माँ को बहुत प्यारा होता है, और जो बीच वाला होता है वो भगवान को बड़ा प्यारा होता है। हाँ, और माँ बाप की ज्यादा आप सेवा करने वाले देखोगे बीच वाले ज्यादा मिलते हैं। तो सजनों, यहाँ थोड़ा विपरीत स्थिति था, यहाँ अजामिल अपने बेटे नारायण को बड़ा प्यार करता था, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, इसीलिए पहले के लोग अपने बेटे का नाम बहुत अच्छा अच्छा रखते थे, केशव गोपाल, ताकि मरते समय एक बार भी नाम निकल जाए कल्याण। आप चिंटू पिंटू नाम बुलाओगे तो कल्याण होगा। तो अब सजनों, जैसे मरने का समय आया, चिल्ला उठा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तब तक सज्जनों, यहाँ यमराज के दूत तो आए ही थे इसको ले जाने के लिए, भगवान के दिव्य चार चार दूत चले आए। जैसे यम दूतों ने देखा विष्णु दूतों को, कहा तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा तुम कौन हो? यम दूतों ने कहा हम यमराज के दूत हैं, पाप करने वाले को पकड़ के हम ले जाते हैं। विष्णु दूतों ने कहा तो हम विष्णु के दूत हैं, नारायण के नाम लेने वाले को हम पकड़ के ले जाते हैं। यम दूतों ने कहा इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। विष्णु दूतों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण 4 साल पहले पड़ा है, पर हमारे भगवान का नाम नारायण अनादि काल से है, तो बोलो किसका नाम मानोगे? अब सजनों, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों की बात सुन रही है जामिल। इतना पिटाई किया विष्णु दूत ने कि यमदूत जो है भाग गए यमराज के पास, और यमराज से कहा प्रभु आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों, क्या हुआ? आपने भेजा था उस अजामिल को पकड़ने के लिए, पकड़ने गए वहां पे तो पता नहीं कहां से तो
चार चार विष्णु के दूत आ गए थे और कह रहे थे कि नारायण के नाम को लेने वाले को हम ले जाने नहीं देंगे। जैसे ही नारायण का नाम लिया तो यमराज ने कहा चुप 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 चुप, इस नाम को तेज से अगर 10-15 बार ले लिया ना तो हमारे नरक में जितने पड़े हैं ना सबकी छुट्टी हो जाएगी, हमारा तो सब व्यापार मंद हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, उनका नाम मत लेना। कहा महाराज तो फिर क्या करें हम? कहा देखो तुम नारायण का नाम लेने वाले को पकड़ के मत लेके आना। देखो नाम बताइए यमराज क्या कह रहे हैं, किसको किसको पकड़ के लाना है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धियम चेतस्तमजनती तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम न गाए उसे लेके आओ। चेतस चन स्मृति तच्चरणारविंदम। जिसका चित्त एक बार भी भगवान का स्मरण ना करे। कृष्णाय नो नमति यदक्षर एकदापि तानानय ध्वमसतु कृत विष्णु कृत्या। और तो और जो एक बार भी कृष्ण को प्रणाम करने के लिए सिर ना झुकाता हो तान आनयति, मतलब कि हम सब लोग बच गए, हम लोग नरक नहीं जाएंगे। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब नरक में जाने से बच गए। यहाँ पे लिखा हुआ है जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धीम। जिसकी जीवा एक बार भी भगवान का गुणगान ना करती हो, तो आप लोग तो गा रहे हैं ना, भजन सब गाते हैं ना। और जिसका चित्त एक बार भी भगवान के चरणों में ना झुकता हो, आपका तो चित्त लगाए आराम से कथा सुन रहे हो, देखो हल्ला मचा रहे हो क्या? नहीं, एकदम अच्छे से कथा सुन रहे हो। और कृष्णाय नो नमति, जो कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, आप लोग तो आते तो प्रणाम करते हो फिर बैठते हो, मतलब कि हम सभी लोग बच गए हैं, नरक नहीं जाएंगे। अब सजनों एक आज यमराज ने कहा देखो वस्तु के शक्ति आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है, ध्यान देना, वस्तु में जो निहित शक्ति आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि का आपको ज्ञान हो ना हो पर छू लिया तो जलाएगी ही। विष का आपको ज्ञान हो ना हो पी लिया तो मर के रहोगे। अमृत का आपको ज्ञान हो ना हो पी लिया तो अमृत की प्राप्ति होके ही रहेगी। इसी प्रकार से भगवत नाम का आपको ज्ञान हो ना हो जप लिया तो तर के ही रहोगे। इसीलिए कहा भाव कुभाव अनेक आलस भाव कुभाव नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम। राम जी भी अपने नाम की महिमा के बारे में बता नहीं सकते हैं, इसीलिए सब भगवान का कीर्तन गाइए कि ब्रज की नंदलाला राधा जू की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला